दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से होंगे। आज मैं रेन लिली प्लांट के केयर के बारे में बात करूंगी कि इन्हें नेक्स्ट सीजन में हम किस तरह से बचा के रखें ताकि जो है जैसे ही बरसात का मौसम शुरू हो तो इनमें खूब सुंदर से ढेर सारे फूल आए। तो मैं आपको बताऊं कि अब इनका सीजन देखिए इस तरह से खत्म हो गया है और धीरे धीरे ये सूख रहे हैं, तो इनके जो भी बल्ब हैं इन्हें हम सुरक्षित किस तरह से रख सकते हैं, ये सब बातें आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये देखिए थोड़ा सा साइड में थे, देखिए तो ये हरे भरे कुछ इस तरह से हैं, निकल भी रहे हैं, और लेकिन मैं इन्हें कट करके हटा दूंगी। फिर उसके बाद इन्हें ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे कोहरे का असर ना हो, और फिर उसके बाद हमारी रेन लिली बरसात के दिनों में फिर से नई नई ग्रोथ करेंगी और ढेर सारे फूल आएंगे। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से मैं हर सीजन में इन्हें बचा के रखती हूँ और बहुत ही बढ़िया से जो है ये ढेर सारे बरसात में फूल देते हैं। तो चलिए अब हम काम को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए छोटी छोटी तुलसी जी का पौधा है, इन्हें निकाल देते हैं, लगा देंगे, ये बीज से ग्रो हुए हैं इस तरह से, ये देखिए इन्हें हम लगा देंगे। और ये जो आप देख रहे हैं ना, इस तरह से हम कट करके हटा देंगे सब ऐसे। इस तरह से सबको हम निकाल देंगे और ये देखिए गिरकर गमला जो है टूट गया है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये काम थोड़ा पहले कर लेना चाहिए था लेकिन मुझे लेट हो गया और मैं ऐसे ही करके इन्हें छोड़ दूंगी। और हर साल जो है ऐसे ही इन्हें मैं छोड़ देती हूँ, फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे जैसे ही बरसात शुरू होता है तो बरसात में ग्रो करने लगते हैं, और जैसे ही ग्रो करते हैं ना तो मैं इनमें जो है वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की सड़ी हुई पुरानी खाद मैं इनमें डाल के पानी उन्हें दे के छोड़ देती हूँ। फिर उसके बाद बारिश का पानी मिलते ही ये बहुत ही बढ़िया से तैयार हो जाते हैं। इस तरह से मैं करके हटाती रहूंगी, ज्यादा मुश्किल नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम इनके बल्ब को ही निकाल कर अच्छी तरह से बांध कर रख देते हैं, फिर से नए सिरे से हम ग्रो करते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही इन्हें रख दूंगी गमले सहित। ये देखिए इनकी मिट्टी कुछ इस तरह से है, तो इनमें ज्यादा पानी भी नहीं देना है क्योंकि अगर हम पानी देंगे ना तो इनके जो बल्ब हैं वो सड़ जाएंगे, और ये इनका सीजन नहीं है, इनका सीजन बरसात के दिनों में होता है दोस्तों। तो थोड़ा बहुत पानी का हल्का हल्का स्प्रे करते रहेंगे अगर हम इन्हें बाहर रखे हैं तो। तो दोस्तों देखिए इस तरह से हम इनकी कटिंग कर रहे हैं, वैसे भी ये ड्राई हो रहे थे। और अब इनमें जो है ना ज्यादा पानी देना है और ना ही खाद देनी है, नहीं तो ये बेकार हो जाएंगे। ये देखिए इनका भी काम हो गया और इसे भी हम कट करके हटा देते हैं, इसमें तो घास उग गई है, ये देखिए काफी हरे भरे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा साइड में पड़े थे, इनको इनके ऊपर जो है ना धूप का ज़्यादा असर था और ना ही सर्दी का, ऐसी जगह पड़े थे इसलिए पूरे हरे भरे हैं, ये देखिए इस तरह से हमने कट कर दिया। बस यही करना है और इसी काम के लिए काफ़ी लेट हो गया हमें। तो दोस्तों थोड़ा थोड़ा हम पानी का इस पर स्प्रे करके छोड़ देंगे और इन्हें जो है जैसे कोहरे से बचाएंगे, और फिर उसके बाद जो है जैसे ही
बरसात शुरू होगी ना उसके पहले जो है मैं इनमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद देकर जो है पानी डाल के छोड़ दूंगी, फिर उसके बाद ये काफ़ी हरे भरे हो जाएंगे और बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे। तो यही सब बातें आज की इस रैन लिली के ऊपर थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो ना दोस्तों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।